अभी हम बात कर रहे हैं द्वितीय प्रकार के लीवर की। द्वितीय प्रकार का लीवर अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं तृतीय प्रकार के लीवर की, थर्ड टाइप लीवर। तृतीय प्रकार के लीवर में कैसी कंडीशन रहती है उसको आप गौर से देखेंगे। इसमें आपका एक्सेस होगा और फोर्स और रेजिस्टेंस, तीन चीजें आपको दिख रही हैं। हर लीवर में तीनों चीजें हैं, अंतर इतना है उसकी लोकेशन क्या है चेंज रहती है। प्रथम प्रकार के लीवर में एक्सेस बीचों बीच था, द्वितीय प्रकार के लीवर में आपका रेजिस्टेंस बीच में था। अब तृतीय प्रकार के लीवर की बात आती है तो तृतीय प्रकार के लीवर में क्या होगा, फोर्स बीचों बीच हुआ। क्या होगा, फोर्स बीच में होगा, कौन बीच में होगा, बल बीच में होगा, फोर्स बीच में होगा। आप देख रहे हैं कि एक्सेस फोर्स और रेजिस्टेंस, एक्सेस फोर्स रेजिस्टेंस। इस तृतीय प्रकार के लीवर में जो उसकी कंडीशन है, फोर्स बीच में होगा और एक्सेस और रेजिस्टेंस क्या होंगे, साइड में होगा। किसके बीच में होगा, फोर्स बीच में होगा, किसके बीच में होगा, एक्सेस और रेजिस्टेंस के बीच में होगा। बट इसमें एक कंडीशन और है कि एक्सेस फोर्स के नजदीक होता है, एक्सेस एक्सेस फोर्स के नजदीक होगा, रेजिस्टेंस जो होता है वो बल्ब जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध भुजा होती है वो बड़ी होती है। इसलिए इस लीवर को गति लीवर के नाम से भी जानते हैं। जिस तरह आप सेकंड लीवर की बात की थी, सेकंड लीवर में बल भुजा बड़ी थी इसलिए उसे बल लीवर के नाम जानते हैं, इसमें रेजिस्टेंस भुजा बड़ी है इसे हम गति लीवर के नाम से भी जानते हैं। अब इसके एग्जांपल आप देखिए, आपके पहले जनरल एग्जांपल देख लीजिए, जनरल एग्जांपल देख लीजिए आप, सॉरी मैकेनिकल एग्जांपल देख लीजिए आप पहले, फिर बात करते हैं आपकी एनाटॉमिकल की, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल है चिमटा, चिमटा या बेलचा, दो में से एक समझ लीजिए, चिमटा भी है और बेलचा भी है। चिमटा ये कैसे बनता है, ये चिमटा है, सभी लोग इसको यूज करते हैं, जब रोटी सेकते हैं, रोटी बनाते हैं तो चिमटे का यूज कहता है, और जो चिमटी महिलाएं भी लगाती हैं वो भी चिमटी है। चिमटा, चिमटा में कहां घूमता है ये, इसे बोल सकते हैं चिमटा। चिमटा एग्जांपल है, बेलचा भी है। चिमटा घूमता कहां है, देखिए चिमटा घूमता कहां पर है, यहां पर घूमता है, तो इसे क्या करेंगे, जहां चिमटा घूमेगा उसे क्या बोलेंगे, एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सिस बोलेंगे। अब जहां हम चिमटे को पकड़ते हैं, जहां हम चिमटे को पकड़ते हैं तो चिमटा कहां पकड़ा जाता है, बीच में पकड़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा फोर्स। जो चिमटे को मूवमेंट दे रहा है वो क्या होगा, फोर्स होगा। तो चिमटे को बीच में पकड़ रहा है तो फोर्स क्या होगा, बीच में होगा। जो हमारी रोटी होगी यहां पर वो होगी क्या, हमारी रेजिस्टेंस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने बताया कि आपका फोर्स बीच में होगा और एक्सिस और रेजिस्टेंस साइड होंगे। जो जहां पर चिमटा रोटेट कर रहा है वो एक्सिस है, और जहां हम चिमटे को पकड़ रहे हैं, माइंड स्पेस बल दे रहे हैं, वो हमारा फोर्स है, और जो उसका अपोज कर रहा है, जो विरोध कर रहा है, उसी का रेजिस्टेंस है। अब बात करते हैं इसकी एनाटॉमिकल कंडीशन की, शरीर में आपका किस तरह लीवर कार्य करता है। सबसे पहले एग्जांपल है इसमें फ्लेक्शन, फ्लेक्शन ऑफ एल्बो, फ्लेक्शन ऑफ, फ्लेक्शन ऑफ एल्बो और फ्लेक्शन ऑफ नी। कोहनी का मोड़ना, कोहनी का मोड़ना और घुटने का मोड़ना, फ्लेक्शन भी होता है मोड़ना में, ज्वाइंट की मूवमेंट की पहले ही चर्चा कर चुका था। तो पहले आप देख लीजिए कैसे होता है, फिर मैं आपको डेमो करके भी दिखाऊंगा। ये हमारा हाथ है, ये हमारा एल्बो ज्वाइंट है, एल्बो ज्वाइंट है ये। फ्लेक्शन ऑफ एल्बो मतलब कोहनी का मुड़ना, फ्लेक्शन मीन्स मुड़ना, एल्बो मीन्स कोहनी, कोहनी का मुड़ना। तो इसमें देख सकते हैं ये आपकी आपकी ह्यूमरस बोन है, ये कौन सी बोन है आपका, ह्यूमरस बोन है, और ये आपका क्या है, रेडियस, और इसी में आपकी अल्ना हो जाएगी, रेडियस अल्ना, और आपका ये हैंड फिंगर है, इसमें डंबल लिया हुआ है, क्या लिया है, डंबल लिया हुआ है। तो ये जो आपकी जो मसल्स है, आपकी जो मसल्स है, ये बाइसेप मसल्स है, क्या है, बाइसेप मसल्स है,
देखिए हम बात कर रहे थे कि फ्लेक्शन ऑफ एल्बो की बात कर रहे थे, फ्लेक्शन ऑफ एल्बो की मतलब कोहनी का मोड़ना। तो इसमें जब कोहनी बना रहे हैं आपकी, ये कोहनी बना रहे हैं, तो ये आपका ह्यूमरस बोन है, ये आपका ह्यूमरस बोन है, ये रेडियस है, ये अल्ना है, ये रेडियस है, ये अल्ना है आपका। अब इसमें देखिए कैसे होता है, कोहनी का जो ज्वाइंट होगा वो क्या करेगा, एक्सेस काम करेगा। और जो मसल्स है बाइसेप मसल्स, कौन सी मसल्स है, बाइसेप मसल्स है, ठीक है, बाइसेप मसल्स, बाइसेप मसल्स है वो एक्टिव वर्क कर रही है फोर्स का। जहां बाइसेप समाप्त हो रही है, वो बाइसेप समाप्त हो रही है आपके रेडियस ट्यूबर्सिटी पर, बाइसेप कहां समाप्त हो रही है, रेडियस ट्यूबर्सिटी पर समाप्त हो रही है। तो यहीं से आपका फोर्स हो जाएगा, यहां पर क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा फोर्स होगा। तो हमारा क्या, ये एक्सेस है, ये एक्सेस है हमारा, ये वाला पार्ट एक्सेस है, ये फोर्स है, ये क्या हमारा फोर्स है, ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी में हम थोड़ा सा तनिषा जी को बुलाएंगे, आए और थोड़ा सा डेमो दें। आइए तनिषा जी, तनिषा जी को दिख रहे हैं आप, आपको स्पष्ट दिख रही होंगी। तो इसमें आप देख रहे हैं, ये आपका इनका एल्बो है, एल्बो है, ये आपके ह्यूमरस बोन है, ये आपके रेडियस, रेडियस रेडियस है, ये अल्ना है। अब इनको कमांड मिला फ्लेक्शन ऑफ एल्बो। सपोज डेट ये मान लीजिए डंबल लिए हैं, ये इनके डंबल है, ये वेट ली हुई है। अब इनका क्या होगा, इसका कंडीशन में है फ्लेक्शन ऑफ एल्बो। तो ये बाइसेप मसल्स है, बाइसेप मसल्स यहाँ समाप्त होती है, कहाँ पर समाप्त होती है, यहाँ पर, ये बाइसेप है, तो ये फोर्स यहाँ से माना जाएगा, ये आपका क्या है ज्वाइंट है, और आपके यहाँ पर क्या होगा फोर्स होगा, ये जो लिए हैं वेट क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये फ्लेक्शन ऑफ एल्बो का एग्जाम्पल हो गया। इसी में दूसरा एग्जाम्पल है फ्लेक्शन ऑफ नी, फ्लेक्शन ऑफ नी, ये आपका फ्लेक्शन नी हो रहा है, ये आपके फीमर बोन है, ये आपकी फीमर बोन है, ये आपका टीबिया और फिबला है। तो नी क्या हो जाएगा हमारा, एक्सेस हो जाएगा, नी एक्सेस हो जाएगा। जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है, हैमस्ट्रिंग मसल्स क्या कर रही है, फोर्स, तो हैमस्ट्रिंग मसल्स हमारी ऐसे आती है ये, तो आपका हो जाएगा, ये आपका फोर्स हो जाएगा, एक्सेस, फोर्स और रेजिस्टेंस, ये आपका एलटी में आता है। हैमस्ट्रिंग कर्ल में कौन का कौन किस प्रकार का लीवर होता है, हैमस्ट्रिंग कर्ल में कौन सा लीवर होता है, तो थर्ड होता है। इसी प्रकार इसमें बाइसेप कर्ल में भी आपका थर्ड होता है। एक एग्जांपल और देख लीजिए, अब इनको कमांड मिलेगा एब्डक्शन ऑफ द एब्डक्शन, एब्डक्शन अभी ये खड़ी है, आप अटेंशन पोजीशन खड़ी है, अब इनका हाथ क्या होगा, दूर की हो जाएगा, ये अभी एडक्शन में है, अब होगा एब्डक्शन, एब्डक्शन में हाथ का धीरे आ जाएगा। तो जब ये हाथ दूर की हो जाएगा, तो आपका जो शोल्डर ज्वाइंट पर मूवमेंट हो रहा है, शोल्डर ज्वाइंट क्या हमारा एज ए एक्सिस काम कर रहा है, शोल्डर ज्वाइंट कर रहा है एज ए एक्सिस काम कर रहा है। और यहाँ पर ये डेल्टाई मसल्स है, डेल्टाई मसल्स प्रोड्यूस फोर्स, डेल्टा जो मसल्स है उसके कॉन्ट्रैक्शन से फोर्स निकलता है, उसके माध्यम से ही लीवर गतिमा होता है। हमारे इंडियन लीवर में जो हड्डियां हैं वो लीवर की भांति क्या करती हैं। और ये हमारे सपोर्ट है, बेट है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। एक बार अपना देखिए, ये ज्वाइंट है, ये डेल्टा मसल्स है, ये क्या है, रेजिस्टेंस है। तो इस तरह कह सकते हैं कि बॉडी एनाटॉमिकल कंडीशन में तीन लीवर है, फ्लेक्शन ऑफ एल्बो, फ्लेक्शन ऑफ नी और आपका एब्डक्शन ऑफ हैंड। अब एक एग्जांपल और है सिटअप, थैंक यू तरीसा जी, एक एग्जांपल और है, आपने देख ली है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब तीसरा एग्जांपल है आपका, तीसरा एग्जांपल है आपका सिटअप, सिटअप है, सिटअप को देख लीजिए, सिटअप में कैसे होगा, सिटअप, सेटअप में क्या है, सब्जेक्ट लेन डाउन सुपाइन कंडीशन, सब्जेक्ट लेन डाउन सुपाइन, सब्जेक्ट आपका सीधा ले जाएगा, पीठ के बल जाएगा, चेस्ट उसके ऊपर रहेगी, लेट जी सब मान लो सब्जेक्ट ले लिया, इसके पैर हैं और ये उसका आपका हेड है, ये उसकी चेस्ट है, ये आपकी कमर है, ठीक है। तो अब इसकी लेटा हुआ है, अब मैंने कहा सेटअप, जब सेटअप लगाया गया तब माना जाएगा, तो क्या होगा, ये बंदा क्या करेगा, ये फर्स्ट पोजिशन हमारी है, सेकेंड पोजिशन में क्या होगा, ये इस कंडीशन में आएगा, ठीक है, इस कंडीशन में आएगा, ये हमारा जो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सेस, जो हमारी कमर होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी एक्सेस काम करेगी, कमर जो होगी वेस्ट होगी, वेस्ट पॉइंट होगा वो एक्सेस काम करेगा, जो हमारी एब्डोमिनल की मसल्स होंगी वो आपको क्या करेंगी, फोर्स काम करेंगी, किस काम करेंगी, फोर्स काम करेंगी, और टोटल बॉडी वेट होगा वो रेजिस्टेंस काम करेगा, किस काम करेगा,
रेजिस्टेंस काम करेगा, तो कह सकते हैं सेटअप भी आपका तृतीय प्रकार का लीवर है। ठीक है, तो इस तरह आपको तृतीय प्रकार का लीवर ही समझ में आ रहा होगा, देख लीजिएगा, जब कोई दिक्कत हो बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।